कोरोना काल के बाद हमें त्योहार मनाने का बहुत दिनों के बाद अवसर मिला है, इसलिए सतर्कता के साथ परिवार का ध्यान रखकर त्योहार मनाएं। आपसी भाईचारे के साथ त्योहार मनाएं। उक्त उद्गार स्थानीय पुलिस चौकी पर आयोजित शांति समिति की बैठक में प्रभारी तहसीलदार वंदना चौहान ने व्यक्त किए। इस बैठक में उन थाना प्रभारी गीता सोलंकी ने मैन चौराहे पर जनहित में कैमरे लगवाने और आने वाले होली धुलंडी रंग पंचमी और गणगौर सभे बारात को मिलजुल कर मनाने की बात कही। वहीं चौकी प्रभारी राजेंद्र अवासिया ने चौराहों पर हैलोजन बल्ब लगाने और एम्बुलेंस की व्यवस्था करने पर जोर दिया। बैठक में विद्युत विभाग के उपयंत्री अनिल बामनिया ने सुचारू रूप से त्योहारों बिजली की व्यवस्था बनाए रखने की बात कही। बैठक में सरपंच प्रतिनिधि भूपेंद्र सोलंकी ने बिजली और साफ सफाई करवाने की बात कही। मुकेश पटेल ने भी एम्बुलेंस की मांग को सांसद महोदय के समक्ष रखने की बात कही। शांति समिति की बैठक में पूरे समय एम्बुलेंस का मुद्दा छाया रहा। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।